आज हम बनाएंगे राजस्थानी राबोड़ी की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिर्ची लहसुन का पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ मैंने दो हरी मिर्ची ली है, इसे छोटा छोटा काट लिया है। अब इसमें 10 से 15 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, इसे अच्छे से बारीक कूट लेंगे। एक बाउल में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून मेथी डालकर चटकने देंगे। अब इसमें मिर्ची लहसुन का पेस्ट डालकर सेकेंगे। अब इसमें सारे मसालों का पेस्ट डाल देंगे। इसे मसाले से तेल अलग होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डेढ़ गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें कटी हुई हरी प्याज डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें राबोड़ी डालें। ये राजस्थान की स्पेशल सर्दियों में छाछ से बनाई जाती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। राबोड़ी डालकर इसे 6 से 7 मिनट पकने दें। राजस्थानी राबोड़ी की सब्जी तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी।